हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहां पर हम लोग कहते हैं अंधेरा हो गया या अंधेरा हो गया था, अंधेरा हो रहा है, जल्दी करो घर जाना है, अंधेरा हो जाएगा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। योर वॉचिंग यूएसटी स्पोकन क्लासेस, हियर वी लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेसन। सो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो हो जाना मीन्स अंधेरा हो रहा है या देर हो रहा है या नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, किसी भी टेंस में अगर बोलिएगा तो उसके लिए आप किस स्ट्रक्चर का यूज कीजिएगा। सो लेट मी टेल यू, गेट का फॉर्म टेंसेस अकॉर्डिंग टू चेंज होते चलेगा, जैसे कि कभी गॉट बन जाएगा, कभी गेटिंग हो जाएगा, कभी गेट्स हो जाएगा, वो आपको सेंटेंसेस से ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ड डार्क, अगर उसके बाद अगर कोई वर्ड्स बचेगा तो लास्ट में लिख देंगे, नहीं तो आपका स्ट्रक्चर यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। अब इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। सो आज का पहला सेंटेंस है, हम लोग बोलते हैं अंधेरा हो गया या नहीं तो अंधेरा हो गया है, क्योंकि दोनों सेंटेंस का इंग्लिश सेम ही होगा। जैसे कि इट हैज गॉट डार्क, इट हैज गॉट डार्क, अंधेरा हो गया, इसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं समझिएगा, अंधेरा हो गया था। अगर बोलो कल अंधेरा हो गया था तो आपको बोलना पड़ेगा इट गॉट डार्क यस्टरडे, इट गॉट डार्क यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, अंधेरा हो जाएगा जल्दी करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा हरी अप इट विल गेट डार्क, हरी अप इट विल गेट डार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, अंधेरा हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो वहां पर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, इट इज गेटिंग डार्क, व्हाट आर यू डूइंग हियर, इट्स गेटिंग डार्क। So guys, one sentence for you. So please translate it and write it in the comment box. If you make any mistake, then I'll correct it. Guys, how did you find my video? If you really like the video, please like, comment and subscribe. And do not forget to share this video. Thanks for watching, friends.